प्यारे बच्चों, कभी कभी हम इन क्रॉस में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस, तीन तरह के क्रॉस हैं, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस। मैं आज इनको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला आता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? द क्रॉस बिटवीन एनी ऑर्गेनिज्म एंड प्योर रिसेसिव, जैसे हम मेंटल की बात करें, इन मेंडल्स डाइहाइड्रेट क्रॉस, ज्यादा डाइहाइड्रेट क्रॉस, आर आर वाई वाई, यहां से बनेगा, यहां से आर वाई बनेंगे सारे, यहां से आर वाई बनेंगे सारे, एफ वन जनरेशन में आर आर वाई वाई, ये राउंड और येलो है, राउंड येलो, ये भी राउंड येलो था। कल तो आप देख रहे हैं, ये प्योर है, ये हाइब्रिड है, ये रिंकल ग्रीन था। इसका मतलब क्या हुआ? राउंड येलो में भी होमोजाइगस और हिटरोजाइगस। तो हमें यह पता लगाना है कि ये होमोजाइगस है कि हिटरोजाइगस है। वी वांट टू चेक वेदर इट इज होमोजाइगस और हिटरोजाइगस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसके लिए इसका टेस्ट क्रॉस करेंगे। तो टेस्ट क्रॉस में क्या करेंगे? हम इसको आर आर वाई वाई को आर आर वाई वाई के साथ, यानी कि प्योर रिसेसिव के साथ क्रॉस कराएंगे। इस समय पता लग जाएगा कि ये हाइब्रिड है कि प्योर है। तो इट इज यूज्ड जनरली टू चेक अबाउट होमोजाइगस और हिटरोजाइगस नेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब यहां मैं एक चीज और बताता हूं आपको, हमें कैसे पता लगेगा कि होमोजाइगस है कि हिटरोजाइगस है। इसको पता लगाने के लिए अभी अगर हम क्रॉस करें आर आर वाई वाई और ये आर आर वाई वाई, इससे गैमेट बनेंगे चार तरह के, आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और इससे गैमेट बनेंगे एक ही तरह के, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सारे ये बनेंगे। तो अगर हम इसका क्रॉस करें इनके साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई का, तो क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब देखें ये कैसा होगा, राउंड येलो, ये कैसा होगा, राउंड ग्रीन, ये कैसा होगा, रिंकल्ड येलो, और ये कैसा होगा, रिंकल्ड ग्रीन। अब इसमें चार तरह के ऑर्गेनिज्म बने, एक तो ये वाला कॉम्बिनेशन बना, एक ये वाला कॉम्बिनेशन बना, इनको हम कहते हैं पेरेंटल, और ये दोनों है रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि ये हमारे पास थे। अगर ये बनते हैं
इसका मतलब ये हाइब्रिड है, और अगर ये नहीं बनते तो फिर ये प्योर है। लेकिन इसमें एक चीज का पता और लगाने के लिए भी किया जाता है कि लिंकेज है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि आर आर वाई वाई और आर आर वाई वाई के क्रॉस में आर आर वाई वाई और आर आर वाई वाई इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। अब तो क्या था, एक ये बना था, एक आर आर वाई वाई बना था, एक आर आर वाई वाई बना था और एक ये बना था, चारों बराबर बने थे। इसका मतलब पेरेंटल फ्रीक्वेंसी, दो पेरेंटल थे और दो ही रिकम्बिनेंट थे। अगर इक्वल बने तो इसका मतलब ये था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। परंतु अगर इनमें डिफरेंस आ जाता है, पेरेंटल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कम है, बराबर बराबर नहीं बनते, तो इसको हम कहते हैं लिंकेज। सो वी कैन से द टेस्ट क्रॉस इज यूज टू चेक, इसके दो वे हुए आपने देखा, नंबर वन टू चेक लिंक्ड जीन, अगर जीन लिंक्ड है या नहीं है, और दूसरा टू चेक प्योरिटी और होमोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये तो था टेस्ट क्रॉस। अब हम बात करें बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस क्या होता है, व्हाट इज बैक क्रॉस? बैक क्रॉस में द क्रॉस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद एनी ऑफ द पेरेंट, अब ये मान के चले जैसे ये था टी टी और ये टी टी, क्रॉस किया तो पहली जनरेशन में आया कैपिटल टी स्मॉल टी। इस कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर हम इसके साथ क्रॉस कराएं या कैपिटल टी स्मॉल टी को इसके साथ क्रॉस कराएं, ये दोनों ही बैक क्रॉस हैं। ये इनका ऑफस्प्रिंग है और ये इसके पेरेंट्स हैं। ऑफस्प्रिंग का पेरेंट के साथ क्रॉस, यानी कि सेकंड जनरेशन का फर्स्ट जनरेशन के किसी भी मेंबर के साथ क्रॉस, ये कहलाता है बैक क्रॉस। अर्थात किसी भी ऑफस्प्रिंग का उसके किसी एक पेरेंट के साथ क्रॉस कराना, दिस इज नोन एज बैक क्रॉस, एंड दिस इज डन इन केस ऑफ प्लांट्स टू मेक डिजायर्ड वैरायटी। हम चाहते हैं किसी वैरायटी में एक तरह के जीन जाते हों तो हम क्या करेंगे, हम बैक क्रॉस कराएंगे, बैक क्रॉस से पार्टिकुलर जीन की अमाउंट बढ़ जाती है। ये था बैक क्रॉस। अब हम बात करें एक रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, व्हेन द करैक्टर आर इंटरचेंज बिटवीन पेरेंट्स। दिस क्रॉस इज नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉस। कैसे, सपोज करो हमने लिया टॉल मेल और ड्वार्फ फीमेल, इसका रेसिप्रोकल क्रॉस हो जाएगा ड्वार्फ मेल एंड टॉल फीमेल।
जो करेक्टर मेल में था वो फीमेल में ले लेते हैं, जो फीमेल वाला करेक्टर था वो मेल में ले लेते हैं, दीज बोथ आर इंटरचेंज टुगेदर एंड देन ए क्रॉस इज डन, दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉस। तो ये रेसिप्रोकल क्रॉस है, रेसिप्रोकल क्रॉस में मेंडल ट्रेड में सेम रिजल्ट आता है। इफ एनी ट्रेड इज मेंडेलियन ट्रेड द रिजल्ट विल बी सेम, बट इफ देयर इज एनी जीन ऑन सेक्स क्रोमोसोम द रिजल्ट विल बी डिफरेंट, द रेशो विल बी डिफरेंट। उसमें रेशो डिफरेंट होती है, अगर ये सेक्स क्रोमोसोम पे कोई जीन है तो उसमें रेशो डिफरेंट होती है। ये हमारा रेसिप्रोकल क्रॉस है, रेसिप्रोकल क्रॉस से ही पता लगा था कि एक्स पे लिंक्ड जीन कौन कौन से हैं। एक्स लिंक्ड जीन इन केस ऑफ ड्रोसोफिला द लिंकेज वाज नोन व्हेन ए क्रॉस बिटवीन, इसमें ड्रोसोफिला में फ्रूट फ्लाई में मॉर्गन ने क्या किया था, एक बार रेड आइड मेल और व्हाइट आइड फीमेल इसमें क्रॉस किया, दूसरी बार उसने इसका रेसिप्रोकल लिया, रेड आइड फीमेल एंड व्हाइट आइड मेल। तो इसमें रिजल्ट जो था वो कुछ और था, इसमें रिजल्ट कुछ और था, देयरफॉर ही आइडेंटिफाइड दैट सम ट्रेट आर रिलेटेड विद सेक्स जीन और सेक्स क्रोमोसोम एंड दीज आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। सो एक्स लिंक्ड जीन्स वर डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय मॉर्गन टू नो द एक्स लिंक्ड जीन इन ड्रोसोफिला। दिस वाज हिज फर्स्ट क्रॉस एंड दिस वाज अबाउट द रेसिप्रोकल क्रॉस। तो आप इनको भी एक बार ध्यान से देख लें, फिर भी आपको कहीं मुश्किल लगे तो मुझे कॉल करें या मैसेज दें। थैंक यू।